दोस्तों, अगर आप अपनी बिजी लाइफ से कुछ सुकून के पल चुराना चाहते हैं तो आ जाइए ओखला बर्ड सेंचुरी, ओखला बर्ड सेंचुरी की मेट्रो पकड़ के, जो कि आपका पड़ता है नोएडा में, जो कि कालिंदी कुंज के बहुत ही पास है। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं इस प्लेस के बारे में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आइए हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करते ही आपको लेनी पड़ती है टिकट, जो कि पर पर्सन पड़ती है आपको 30 रुपये की, जो कि आप देख सकते हैं मेरे हाथों में। यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, मैंने बर्गर ले लिया है, एक पानी की बोतल, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और ये जो सामने आपको गाड़ी दिख रही है ऑरेंज कलर की, इसका पर पर्सन प्राइस रहता है 50 रुपये, क्योंकि ओखला बर्ड सेंचुरी बहुत ही ज़्यादा लंबी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो उसको घूमने के लिए आप पैदल थक सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मेन्यू दिखा दिया, कैंटीन अवेलेबल है, सारी की सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं ओखला बर्ड सेंचुरी में, ठीक है। ये जो कैंटीन का मेन्यू आप देख सकते हैं, बहुत सारी मैगी, पास्ता, पिज़्ज़ा, फ्राइज, टी कॉफ़ी, स्वीट, लस्सी, सारी चीज़ें। तो आइए, जब भी मैं नीचे उतरता हूँ, यहाँ पे देखिए ये बंदर मेरे को दिखा, यार मुझे तो लगा कि ये मेरा फ़ोन न छीन के भाग जाए, मेरी ब्लॉगिंग आज यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे अलग अलग तरीके के पेड़ आपको दिखने वाले हैं, अलग अलग अच्छे अच्छे सेल्फी पॉइंट्स, और यहाँ का जो नेचर है ना, सच में बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलने वाला है आपको। और ये देखिए, आपको ये लग रहा होगा ज़मीन पे है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पानी पर तैर रहा है। पानी पर किस तरीके से तैर रहा है, इसके नीचे ड्रम्स, ब्लू कलर के ड्रम्स बने हुए हैं, जिसके ऊपर ये आयरन का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर आप सेल्फी ले सकते हैं, वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं, व्लॉग बना सकते हैं। और जो आपको सुकून यहाँ पर मिलेगा, जो नेचर आप देख पा रहे होंगे, और ये जो हरी हरी पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, एक्चुअली पानी के ऊपर जम गई हैं, ठीक है। पहले अगर पूरा पानी दिखता है तो और भी अच्छा लगता है। और यहाँ से नोएडा की बिल्डिंग भी आपको दिख जाती है, और ये मायावती का जो पार्क है उसका टॉम्ब आपको दिख रहा है वहाँ पर स्क्रीन कलर का। यहाँ पे आपको बहुत ही तरह के बतख और पंछी देखने के लिए मिलने वाले हैं। और यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं नेचर ट्रेल में, ठीक है। ये गेट बना हुआ है और इसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स की फ़ोटोज़ देख सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन मतलब नाम वगैरह लिखा हुआ है, कब वो अवेलेबल रहते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमेशा आपको बर्ड्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे, सारे के सारे बर्ड्स जो कि पंछी हैं, बत्तख हैं, वो अपने अपने मौसम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ऑरेंज कलर की गाड़ी देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको प्राइस बताया 50 रुपये होता है। ऐसे सेल्फी पॉइंट्स हैं, यहाँ पर बैठ कर आप रिलैक्स भी फील कर सकते हैं। और ये एक बार नज़ारा देखिए, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा आ रहा है। और इस टाइम अभी जब मैं आ रखा हूँ, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत ही अच्छा। देखिए, आप एक बार फील करके देखिए, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कितना अच्छा आपको मिलने वाला है। और बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं, बिल्कुल ओनली नेचर के बीच में आप बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैंने ये बोट आप देख सकते हैं, बोट पे आप खा पी सकते हैं, बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे कि ऑलरेडी कोई यहाँ पे इंजॉय करके गया है, तो ऑलरेडी यहाँ पे कप रखा हुआ है, ठीक है। तो बोट्स वगैरह अवेलेबल हैं, बहुत ही अच्छा प्लेस है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको ज़रूर यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्लेस है, एंड आई रियली लव इट। अब मुझे देखिए, आपको अगर ये पसंद करना है तो आपको एक बार यहाँ पर आना पड़ेगा यार, ठीक है। बहुत सारे प्लेसेस है बैठने के लिए, ये है कि नेचर के बीच में आप बैठ के सुकून ले सकते हैं, खा पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ आके। और मैं जिस टाइम पर आया हूँ, अभी आई थिंक 4 या 5 बज रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी आज का मौसम अच्छा होने के कारण यहाँ गर्मी बहुत कम है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे पंछीज़ हैं, और स्नैक्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है, स्नैक्स भी हैं। तो आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप जूते पहन के आएँ, भले मैं चप्पल पहन के आ गया हूँ, लेकिन आपको जूते पहन के ज़रूर आने हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके के सांप हैं, और ये देखिए कितना सन्नाटा है। ये एक बंदा जो सामने जा रहा है मेरे, इसे लग रहा है आई थिंक मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ या ऐसा कुछ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर डस्टबिन भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, और नेचर की क्या ब्यूटी देखने को मिलती है, दैट्स अमेजिंग गाइस, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को नेवले देखने के लिए मिले, तो सिंपल सी बात है, जब सांप है तो नेवले भी आपको देखने के लिए मिलने ही वाले हैं। और ये मैं मज़े लेते हुए नेचर का है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली एनसीआर में कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिले, और आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पे घूमने आ सकते हैं, मैं बात कर रहा हूँ ओखला बर्ड सेंचुरी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा करीब है ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन के। बात कर लेते हैं इस लोकेशन पर आप किस तरीके से आ सकते हैं, क्या टिकट प्राइस रहने वाला है, और क्या इसकी टाइमिंग रहेगी, सारी की सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ओखला बर्ड सेंचुरी में आना चाहते हैं, तो ओखला बर्ड सेंचुरी आपको आना पड़ेगा, सबसे पहले मेट्रो स्टेशन पड़ेगा आपको ओखला बर्ड सेंचुरी के ही नाम से। उस मेट्रो स्टेशन पे उतरते ही आपको फुट ओवर ब्रिज पार करना है, जो कि आपको रोड के उस पार लेके आ जाएगा। और जस्ट जहाँ ही आपका फुट ओवर ब्रिज का गेट सा होगा, उसी सीध में आपको चलते रहना है, मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता है ओखला बर्ड सेंचुरी। आप मेट्रो स्टेशन से उतर के पैदल भी आ सकते हैं, ठीक है। और बात करें अगर टिकट प्राइस की, तो टिकट प्राइस यहाँ पर पर्सन पड़ जाता है कुछ 30 रुपये, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो चीज़ मेरे साथ प्रॉब्लम हुई,
कि आपको हमेशा यहाँ पे कैश लेके आना है, पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे कुछ भी नहीं लेते हैं। अगर कैश नहीं होगा तो आप टिकट नहीं ले पाओगे, उतनी दूर से ट्रैवल करके आओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी जब आपको यहाँ पे टिकट नहीं मिल पाएगी और आपको वापस जाना पड़ेगा। वो तो मेरे पास 500 का नोट था लेकिन 500 के उनके पास खुले भी नहीं थे कैश में। तो ये जो कैंटीन थी इसमें ओखला बर्ड सेंचुरी में, अगर आप कुछ खाना चाहते हैं, बर्गर, कॉफ़ी लेना चाहते हैं या पिज़्ज़ा, आलू टिक्की, मतलब बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कैंटीन अवेलेबल है। ये मेन्यू मैंने शो कर दिया है, आप देख सकते हो उसमें जाके, ठीक है। मैंने दिखाया है मेन्यू आपको, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। मैंने वहाँ पे पेमेंट की, टिकट का प्राइस भी वहीं पर कटाया, तब जाके मैं टिकट परचेज़ कर पाया और अंदर आ पाया हूँ ओखला बर्ड सेंचुरी में। अदरवाइज़ मुझे इतनी दूर ट्रैवल करके आने में और फिर ओखला बर्ड सेंचुरी में टिकट ना मिल के घर वापस जाने में बहुत ही ज़्यादा दुख होता, ठीक है। तो आप ऐसी गलती कभी भी ना करें कि मतलब कैश लेके ना आए, हमेशा कैश लेके आना। आपको कम से कम 100-200 रुपये तो डाल के लाना ही है कैश, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ऑनलाइन नहीं लेते। और ये वीडियो को ना आप मोदी और योगी जी को जरूर शेयर करो कि यार कहाँ इंडिया तुम डिजिटल बनाते जा रहे हो। और ये लोग बहुत जगह ऐसी दिक्कत हो जाती है यार, आजकल तो सब्जी वाला भी फ़ोन पे पेटीएम का यार वो साउंड बॉक्स रख के बैठा है। अब इतनी बड़ी ओखला बर्ड सेंचुरी है, इसमें कैश मांगते ही है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है यार, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बट जो मेरे को यहाँ पर फील हुआ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है ओखला बर्ड सेंचुरी। आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेबल्स मिल जाएंगी जमुना नदी के किनारे, जैसे कि मैं भी यहाँ पर अभी एक टेबल पे बैठा हूँ। और जो सुकून यहाँ पर मिलता है ना आपको, एक नेचर के बीच, मतलब एक शांति आपको मिलती है, ये प्लेस मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप कुछ इन्जॉय करना चाहते हैं, डांसिंग वगैरह, खाना पीना, तो ये प्लेस आपके लिए नहीं है। लेकिन आप कहीं ऐसी जगह घूमना चाहते हैं जहाँ पर बहुत सारी हरियाली हो और वहाँ पर जाके आपको सुकून मिले, तो ये प्लेस आपके लिए। और आप यहाँ पर अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेस है, ठीक है। और ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ। और ये कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन या कालिंदी कुंज के जस्ट बहुत ही पास है, इसे दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर पड़ता है कालिंदी कुंज, तो जस्ट वहीं पर ओखला बर्ड सेंचुरी है, 2 कदम की दूरी पर आप वहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली NCR में ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ओखला बर्ड सेंचुरी ज़रूर आएँ। तो बात कर लेते हम ओखला बर्ड सेंचुरी की टाइमिंग के बारे में कि आप कब आ सकते हैं और कब ये ओखला बर्ड सेंचुरी क्लोज़ हो जाती है। तो इसके टाइमिंग के बारे में अगर हम बात करें तो सर्दियों के लिए और गर्मियों के लिए अलग अलग टाइमिंग्स हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर सर्दियों की आप बात करें तो थोड़ा सा लेट खुलता है, सुबह 7:30 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है शाम के, ठीक है। लेकिन अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर गर्मियों में आ रखा हूँ, तो यहाँ पर सुबह 7 बजे खुल जाता है और शाम के 5:30 बजे बंद होता है। तो इस तरीके से है कि सर्दियों में तो थोड़ा सा आधा घंटा लेट भी खुलता है और आधा घंटा पहले बंद हो जाता है, और गर्मियों में क्या है, आधा घंटा पहले खुल जाता है और आधा घंटा लेट क्लोज़ होता है। तो इस तरीके से है, लेकिन टाइमिंग मैं तो यहाँ पे रिकमेंड करूँगा, गर्मी, अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो दोपहर के टाइम। आज मैं आया हूँ तो आज तो मौसम अच्छा है तो मुझे उतनी ज़्यादा इशू नहीं हो रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो आपको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप गर्मियों में इधर आएँ, या तो गर्मियों में आ भी रहे हैं तो सुबह सुबह आ सकते हैं, 7 बजे आ जाइए, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो इस टाइमिंग में आप आ सकते हैं। अदरवाइज़ 12, 1 बजे, 2 बजे आना अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी आपको यहाँ पे, क्योंकि गर्मी की वजह से। अदरवाइज़ नेचर तो बहुत ही अच्छा है और आपको बिलीव मानिए एक ऐसा सुकून मिलने वाला है ना इस लोकेशन पे आके, जो कि आप मेरे को देख सकते हैं अभी मैं इतना शांत बैठा हूँ, यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चिड़ियाएँ बोल रही हैं, सामने जमुना नदी है। तो एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो किसी चीज़ से, आप मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हो, तो यहाँ पर आके आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। बिलीव दिस कि ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको माइंड को शांत कर देने वाला और आपको ठीक कर देगा, क्योंकि मैं भी एक यहाँ पे आके एक अलग सा ही सुकून महसूस होता है इस लोकेशन पे आके। तो आइए मैं आगे की चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि मैंने बता दिया आपको किस तरीके से आना है, टाइमिंग क्या रहती है, टिकट प्राइस क्या है, कैंटीन भी अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या चीज़ें आप इन्जॉय कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको शो कर देता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ओखला बर्ड सेंचुरी में आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको अगर यहाँ पे कोई भी आप खाना वगैरह खाते हैं या कुछ चीज़ खाते हैं, बाहर का पैकेट वगैरह आप यूज़ करते हैं, जैसे कि कुरकुरे खाए, कुछ भी खाया, तो यहाँ पे डस्टबिन्स भी अवेलेबल हैं, आपको कूड़ा उन्हीं में फेंकना है। ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के लिए अलग अलग डस्टबिन हैं, उनको यूज़ ज़रूर करें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फलों का भी कुछ है, ये अंजीर वगैरह का, मतलब ये आई थिंक ड्राई फ्रूट होता है अंजीर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये अंजीर का आई थिंक पेड़ पौधे हैं, पता नहीं क्या है यहाँ पे, देखना यहाँ पे आप देख सकते हैं अंजीर लिखा हुआ है, फिकस सेरिका,
पता नहीं कैसी कैसी लैंग्वेज में लिखा यार, मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा है। अरे पेड़ कुछ भूतिया सा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि इस पे पेड़ पे कुछ लटक रहा हो यार। मैं तो निकल लेता हूँ यहाँ से, वैसे देख रहा हूँ पूरा सुनसान हो रहा है और शाम सी भी हो रही है, तो थोड़ा बाहर की साइड चल लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे कि ये एक गुफा टाइप का बन रखा है, अगर देखेंगे ना पेड़ों के थ्रू, एक गुफा टाइप का बन रखा है और बीच में एक स्पेस है, साफ़ सुथरा स्पेस है। थोड़ा सा वीडियो में आपको गंदा दिख रहा होगा बट रियल में देखने में वो पेड़ पौधों के पत्ते ही हैं और साफ़ है बिल्कुल। बट यहाँ पे एक बोतल आपको दिख रही होगी। अब ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग आते हैं ओखला बर्ड सेंचुरी में, आपको अलग अलग डस्टबिन्स दिख जाएंगी ड्राई वेस्ट के लिए और वेट वेस्ट के लिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप कुछ भी यूज़ करते हैं, कोई वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप ठीक है कोई भी आपने पानी पिया बोतल है फेंक दीजिए डस्टबिन में, डस्टबिन यूज़ करने के लिए बनी होती है। अब ऐसे बेवकूफ़ लोगों को कौन बताए, बट मैं अपने व्यूअर्स को तो बता ही सकता हूँ कि आप अगर आते हैं तो ये जिम्मेदारी ज़रूर निभाएं, डस्टबिन यूज़ करने के लिए बनी गई है, उन्हें यूज़ ज़रूर करें। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत ही सारे पंछी अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बट सारे के सारे अपने सीज़न के वाइज ही अवेलेबल होते हैं, आपको यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे जस्ट मुझे अभी नेवले देखने को लिए मिले, तो सिंपल सी बात है गाइज, आपको सतर्क रहना है। यहाँ पे आपको स्नैक्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नेवला घुस रहा है। यहाँ पे अभी तक मुझे 7-8 नेवले देखने के लिए मिल चुके हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको सतर्क रहना है। अभी जहाँ से हमने एंट्री की थी यहाँ पे हमारा एग्जिट हो चुका है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं नेचर ट्रायल के नाम से एक गेट बना हुआ है, ये स्टार्टिंग में भी बना हुआ था। इसके अंदर क्या है कि सांप वगैरह, चिड़िया वगैरह, बत्तख वगैरह, इन सब की फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं, और वो सीज़न वाइज यहाँ पे होते भी हैं, ठीक है। कोई विंटर सीज़न के पक्षी हैं या कीड़े मकोड़े हैं जो भी हैं वो उस टाइम अवेलेबल होते हैं, कोई गर्मियों में तो वो उस टाइम अवेलेबल होते हैं। और ये स्टार्ट हुआ था जहाँ पे मैंने आपको बंदर दिखाया था, और ये जो गेट वहाँ पे भी नेचर ट्रायल के नाम से गेट था ऐसा बांस का बना हुआ, यहाँ पे भी बना हुआ है, तो ये यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके बाद आती है एक पक्की रोड RCC की, जिसके किनारे पेड़ पौधे हैं और कुछ बेंचेस लगे हुए हैं, और वो रोड बहुत ही ज़्यादा लंबी रहने वाली है, उसके लिए आपको अलग से गाड़ी भी करनी पड़ सकती है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी 11 नंबर की बस पकड़ के जा सकते हैं, मतलब पैदल चल के वहाँ जा सकते हैं। ये शो कर देता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये रोड आपको दिख रही होगी बहुत ही दूर जा रही है, आपको फिर भी वीडियो में उतनी नहीं लग रही होगी कि कितनी दूर जा रही है, बट ये रोड बिलीव मानिए बहुत दूर जाती है। अगर आप एक बार एक्साइटमेंट में बहुत आगे चले तो जाते हैं, बट वापस आने में ना ऐसा लगता है कि भाई अब यहीं बैठ जाओ, यहाँ से हमें कोई उठा के ले चलो, कोई गाड़ी आ जाए अलग से। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैं RCC रोड की बात कर रहा था, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मैं एक बार घूम के आपको बता देता हूँ। इस साइड से हम आए थे, अभी हम आगे की साइड चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस साइड आपको दिखाता हूँ कि किस साइड जाना है हमें। अब ये बहुत ही पीछे ज़्यादा रोड जा रही है, आप देख सकते हैं, आपको कुछ लोग चलते हुए दिख रहे होंगे और आई थिंक नहीं भी दिख रहे होंगे, क्योंकि आई थिंक कैमरा इतना कवर नहीं कर पा रहा होगा। और अगर आप ओखला बर्ड सेंचुरी में आते हैं तो बिलीव कीजिए आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेचर यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, जो कि मैंने अभी इन्जॉय किया। बस एक ही चीज़ मुझे अजीब लगी, जब मैं इससे पहली बार आया था तो ये मुझे फैमिली पार्क लगता था, और था भी, बहुत से लोग फैमिली के साथ भी घूमते थे। बट जो इस बार मैं आया हूँ बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि और जैसे पार्कों की हालत इन्होंने ओखला बर्ड सेंचुरी की भी कर दी है। अगर आप कपल हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, यहाँ पे कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कई जगह पर कैमराज भी लगे हुए हैं, CCTV कैमराज, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको नेचर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाना है, अदरवाइज आपके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये रोड है, रोड के किनारे बहुत से बेंचेस लगे हुए हैं नदी के किनारे, यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, बर्ड्स वगैरह अवेलेबल होती हैं यहाँ पर। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ड दे रखे, हिंदी नाम इसका दे रखा है मटिया लहटोरा, और इंग्लिश नाम दे रखा है लॉन्ग टेल्ड स्ट्राइक लेनियस स्केच। पूरे सारे बर्ड्स हैं ना अपने सीज़न वाइज अवेलेबल होती है, जब भी इनका सीज़न होता है, ये नहीं कि जब भी आप आएंगे तब भी आपको दिख जाएंगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप ओखला बर्ड सेंचुरी आए हैं तो यहाँ पे शौचालय मतलब टॉयलेट भी अवेलेबल है ओखला बर्ड सेंचुरी के अंदर, अगर आपको वॉशरूम लगते तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर ना घूमने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है, तो वॉशरूम भी यहाँ पर अवेलेबल है। और जैसे कि गाइज अभी ना हम बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुके हैं, पैदल चलते चलते मेरे पैर बहुत दुख चुके हैं, क्योंकि ओखला बर्ड सेंचुरी में आगे भी कुछ एक दो चीज़ें हैं जस्ट एक टावर जैसा है, जो कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा देता हूँ किस तरीके का है, वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, पैदल तो आप जा ही नहीं सकते, और अगर पैदल आप चले भी गए तो वहाँ से वापस आने के लिए तो फिर आप कहोगे भाई मुझे गाड़ी भेज दो, आप 10 रुपये के लिए जगह 1000 रुपये ले लो, मुझे गाड़ी दे दो, इतना दूर है ओखला बर्ड सेंचुरी, इतना बड़ा है ना, तो मैं तो भाई यहाँ से जा रहा हूँ वापस, ठीक है। बस एक ही है लास्ट में, एक टावर जैसा है, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं कि ब्लॉग में ओखला बर्ड सेंचुरी पूरा कवर नहीं किया गया, ठीक है,
ये टावर में यहाँ पे फोटो में अटैच कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का टावर है, आप वहाँ पे जाके फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो अब हम चल लेते हैं वापस। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। अगर आपको इस डिश का नाम पता है आखिर ये क्या चीज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आखिर ये मैं क्या खा रहा हूँ। और ओखला बर्ड सेंचुरी में पार्किंग तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ये मैंने अपनी स्प्लेंडर खड़ी कर रखी है यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करते भी हैं तो अपने रिस्क पे खड़ी करना, अगर यहाँ से चोरी हो जाती कुछ हो जाती तो इनकी कोई भी गारंटी नहीं रहती है। मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पे पास में ओखला बर्ड सेंचुरी है, आप मेट्रो स्टेशन पे जाके अपनी गाड़ी को पार्क करें।